सब्सक्राइब करें डॉक्टर शर्मा संजीवनी होम्योपैथी चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि इस तरह के हेल्थ वीडियोस आपको हमेशा मिलते रहें। थैंक यू। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हम सभी के इस YouTube चैनल में जिसका नाम है डॉक्टर शर्मा संजीवनी होम्योपैथी और मैं हूं डॉक्टर विभूति शर्मा संजीवनी होम्योपैथी रायपुर छत्तीसगढ़ से। आज का वीडियो बहुत खास होने वाला है और इस वीडियो में मैं बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर डिस्कस कर रहा हूं। दोस्तों, क्या आपने सोचा है कि लंबी और स्वस्थ जिंदगी किस तरह जी जाती है? लंबी भी हो जिंदगी और बीमारियां भी ना हो। मैं कुछ सालों से इस बात पर स्टडी कर रहा हूं और मैंने ये ऑब्जर्वेशन किया है पिछले कई सालों में कि जो लोग बहुत लंबी जिंदगी जीते हैं और स्वस्थ जिंदगी जीते हैं, लंबी और स्वस्थ जिंदगी का मतलब यह है कि इनकी जिंदगी में पिछले कई सालों में लगभग 30, 40 या 50 सालों में भी किसी भी तरह की कोई बीमारी नहीं आई। ये वो लोग हैं जो 70 से लेकर 80 साल तक, मतलब उम्र के 7 से 8 दशक तक भी बड़ी बीमारियों से ग्रसित नहीं होते। मैं बात कर रहा हूं डायबिटीज और ब्लड प्रेशर जैसी बड़ी बीमारियों की जो इनकी जिंदगियों में नहीं आती हैं। क्या आपने इस बात को नोटिस किया जो मैं पिछले कई सालों से कर रहा हूं और मैंने इस बात को ऑब्जर्व किया है? हालांकि मेरी उम्र केवल 36 साल है, लेकिन इस 36 साल की जिंदगी में मैं पिछले कई सालों से, लगभग 8 से 10 सालों से, जब से मैं प्रैक्टिस कर रहा हूं होम्योपैथी क्लिनिक में, मेरी क्लिनिक में मैं पेशेंट्स को देखता हूं तो मैं ऑब्जर्व कर रहा हूं जितने केसेस मैंने देखे, करीब 5 से 6 हजार पेशेंट्स जो रेगुलर हमारी क्लिनिक्स में विजिट करते रहे कुछ सालों में, उनके ऑब्जर्वेशन से मुझे एक बात पता चली और ये ऑब्जर्वेशन इस तथ्य पर भी बेस है कि आपके आसपास, आपकी कम्युनिटी पे, आपके सराउंडिंग में जो लोग रहते हैं उनकी उम्र को देखते हुए आप एक ऑब्जर्वेशन बना सकते हैं। मैंने भी यही किया। ये ऑब्जर्वेशन इस तथ्य पर आधारित है कि पिछले कई सालों में ये लोग बीमार क्यों नहीं हुए और इन्होंने ऐसा क्या किया जिसकी वजह से इनका सिस्टम कभी बीमार ही नहीं हुआ, ये हमेशा स्वस्थ रहे और किसी भी तरह की बीमारी जैसे डायबिटीज, जैसे ब्लड प्रेशर, जैसे पेट की बीमारी, जैसे कोई भी बड़ी बीमारी इन्हें नहीं हुई, ना ही इन्हें किसी भी तरह का वायरल इन्फेक्शन हुआ, ना ही कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन हुआ, ना ही आपने इनको कई सालों से बीमार देखा। ऐसा क्यों होता है? मैंने कुछ ऑब्जर्वेशंस किए। पहला ऑब्जर्वेशन जो मेरा था उसमें एक महत्वपूर्ण बात थी, इन लोगों का जेनेटिक्स यानी आनुवंशिकी बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। आनुवंशिकी में इनके ऐसे जीन्स हैं जो बीमार नहीं होने देते शरीर को। ये ऑब्जर्वेशंस आजकल बहुत सारी स्टडीज में देखा गया है और बहुत सारे मेडिकल स्कूल्स, जो बहुत बड़े बड़े मेडिकल स्कूल्स हैं, ये स्टडी कर रहे हैं कि ये लोग बीमार क्यों नहीं होते या कुछ लोग बीमार क्यों नहीं होते। चाहे वो किसी भी परिस्थिति में रहें, इनकी बॉडी बीमार नहीं होती। दूसरी बात, ये वो लोग होते हैं जिनकी लाइफस्टाइल एकदम रूटीन में होती है। आपने देखा होगा अपने आसपास के उन बुजुर्गों को जो 70-80 साल में, उम्र के 7-8 दशक में भी किसी भी बीमारी से ग्रसित नहीं हुए। उनकी लाइफस्टाइल को जरा ऑब्जर्व कीजिए, उनकी जीवन शैली को ऑब्जर्व कीजिए, उनके खाने का समय नोट कीजिए, उनके सोने का समय नोट कीजिए, आपको जिंदगी का वो फलसफा समझ में आ जाएगा जो इन्होंने पिछले कई सालों से यूज किया है। मेरे आसपास, मेरे घर में और मेरे पड़ोस में भी ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको मैंने बीमार होते हुए देखा है बहुत कम समय में, लेकिन कुछ लोग, लगभग 100 से 200 लोगों में से एक व्यक्ति आपको ऐसे मिलेंगे जो बीमार ही नहीं पड़े अपने रिटायरमेंट के बाद भी। और ये वो व्यक्ति हैं जिन्होंने टेस्ट को, मतलब खाने में आने वाले अलग अलग टेस्ट को, बहुत सालों पहले ही अलविदा कर दिया। ये लोग खाने के टेस्ट के पीछे ज्यादा नहीं भागे,
इन्होंने अपने खाने में बहुत ज्यादा मिर्च मसालेदार चीजें कभी सेवन नहीं की। ये वो लोग हैं जो बिल्कुल रूटीनिस्टिक हैं, अपने टाइम को लेकर एकदम पाबंद हैं कि वो इतने बजे नाश्ता करेंगे मतलब करेंगे, इतने बजे खाना खाएंगे मतलब खाएंगे, और ये कभी स्किप नहीं करते इस टाइम को चाहे कुछ भी हो जाए। और ये एक बहुत अच्छी बात है, अपने खाने का टाइम, अपने नाश्ते का टाइम और अपने डिनर का टाइम ये लोग कभी भी स्किप नहीं करते। इनके खाने में एक बात बहुत जरूरी थी जो मैंने ऑब्जर्व की, वो ये था कि टाइम के साथ साथ ये लोग अपने खाने की चीजों के भी बड़े पाबंद हैं। ये जिन चीजों का सिलेक्शन करते हैं उनमें किसी भी तरह का आपको मसाला नहीं मिलेगा। ये ऑब्जर्वेशन मेरा है, आप भी इसे ऑब्जर्व कर सकते हैं। बहुत ज्यादा मिर्च मसालेदार चीजों को ये देखते ही साथ दूर हट जाते हैं, क्योंकि आपको इनको देखकर ऐसा लगेगा कि ये लोग दूर भागते हैं इन चीजों से क्योंकि ये इनको पचा नहीं सकते। ऐसा बिल्कुल नहीं है, ऐसा बिल्कुल ना माने, पचा ये सब सकते हैं, लेकिन ये लोग ऐसी कैटेगरी के लोग हैं जो पहले से ही इन चीजों को अवॉइड करते हैं ताकि आपकी बॉडी को बेवजह में एफर्ट ना लगाना पड़े। कुछ बातें मैंने और ऑब्जर्व की और ये इस वीडियो का टॉपिक भी है, लंबी उम्र और स्वस्थ जिंदगी कैसे पाएं। लंबी उम्र और स्वस्थ जिंदगी का फलसफा जो अगला मैंने नोट किया वो ये था कि इनके रूटीन के खाने के साथ रूटीन की नींद के साथ साथ ये बहुत ज्यादा एक्सरसाइज या योगा व्यायाम पे मैंने इन्हें नहीं देखा। ये रूटीनिस्टिक इनकी जिंदगी में ये वॉक बहुत करते हैं, ये चलते बहुत हैं, पैदल बहुत चलते हैं, बहुत ज्यादा पैदल चलने की आदत इनकी जिंदगी में बहुत कॉमन है। ये गाड़ियों का सहारा कम लेते हैं, वॉक बहुत करते हैं और अपने मोस्ट ऑफ द काम जिनके जो भी वर्क होते हैं ये पैदल चल के पूरा करते हैं, जो हम आजकल नहीं करते। हम यदि नोट करें कि आजकल की भागदौड़ भरी जिंदगी में हम लोग बहुत ज्यादा जिमिंग का सहारा लेते हैं, हम जिम जाते हैं, हम संतुलित आहार के बारे में बात करते हैं, हम प्रोटीन डाइट के बारे में बात करते हैं, लेकिन ये बहुत कॉमन बात है कि पुराने समय में बुजुर्ग लोग जिस तरह की जिंदगी जीते थे वो बहुत कॉमन जिंदगी हुआ करती थी, बहुत सामान्य जिंदगी हुआ करती थी, लेकिन उस सामान्य जिंदगी के असामान्य रिजल्ट मिले। 70-80-90 साल की उम्र तक बिना बीमारी के चलना, बिना थायराइड, बिना माइग्रेन, बिना डायबिटीज, बिना हाइपरटेंशन के चलना आखिर पॉसिबल कैसे हुआ? मैं चाहता हूं कि आप प्रोटीन डाइट और जिमिंग के बारे में सोचने की जगह पहले इस बारे में सोचें कि आपका सुबह का नाश्ता क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है, किस वक्त हो रहा है, दोपहर का नाश्ता, दोपहर का खाना किस वजह, किस समय, कितना और कैसा हो रहा है, इस बारे में सोचना बहुत ज्यादा जरूरी है। और हमारी नींद कितनी हो रही है और किस समय हो रही है, बेवजह के तनाव हमारी जिंदगी में हावी हो रहे हैं। और बहुत जरूरी है सिंपल जिंदगी, बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है इस बात को समझना कि सिंपल साधारण जिंदगी बिना किसी भी तनाव के कैसे जी जाए, क्योंकि यही है राज लंबी और स्वस्थ जिंदगी का, क्योंकि यही ऑब्जर्वेशन है, यही एक कॉमन रूल है और यही प्रकृति का रूल है कि प्राकृतिक तरीके से आप किस तरह से अपने भोजन को रखें, हरी सब्जियां, सलाद, फ्रूट्स बहुत ज्यादा मात्रा में खाएं, 40% का नियम बना लें कि आपके खाने में 40% यही हरा भोजन रहे, बाकी चीजें इसके बाद आए, और फिर देखें आपके शरीर में किस तरह से बदलाव होता है और लंबे समय तक आप कैसे स्वस्थ रखते हैं। आशा है इस वीडियो के माध्यम से आप ये ऑब्जर्वेशन अपने आसपास भी करेंगे कि किस तरह और कौन से वो बुजुर्ग हैं जिन्हें अभी 60 की उम्र के बाद भी डायबिटीज नहीं हुई है, ब्लड प्रेशर नहीं हुआ है, थायराइड नहीं हुआ है, माइग्रेन नहीं हुआ है, और घुटने सही हैं, जोड़ों में कोई तकलीफ नहीं है, इवन इन्हें ब्लड टेस्ट कराए भी सालों बीत गए। आप इन्हें ऑब्जर्व कीजिए और फिर कोशिश कीजिए पता करने की कि इनसे बात कीजिए कि ये क्या करते हैं। बहुत सिंपल जिंदगी होती है इनकी, वही जिंदगी, वही सिंपल जिंदगी हमें जीनी है।
कोई और बहुत बड़ा फलसफा नहीं है लंबी और स्वस्थ जिंदगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आप जिस तरह से इस वीडियो के साथ हैं और जिस तरह से चैनल को प्यार दे रहे हैं, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।